Hello one and all, welcome to the channel The Social Indian. I am Sakshi Arora welcoming you all in the new series for legal news. तो मैं हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सारी लीगल न्यूज, लीगल एस्पेक्ट और जो भी न्यूज आ रही है करंट अफेयर्स में उसको. सो वेलकम टू द चैनल अगेन. सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर इम्पॉर्टेंट स्टैट्यू एक्ट जो बहुत जरूरी हो जाता है इस टाइम पे इस न्यूज के लिए, जो कि है द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. 2005 एज इट्स क्लियर कि बहुत नया एक्ट है, 15 साल पुराना एक्ट है, बहुत नया. जिनको लग रहा है कि बहुत नया कैसे हो सकता है, 15 साल तो बहुत होते हैं, तो बता दूं कि हमने अभी एक एक्ट की बात की थी जो 100 साल पुराना था. तो ये नया है, कंपैरेटिवली काफी नया है. इसकी इम्प्लीकेशन कहाँ हुई है, कोविड-19 के केस में हुई है. कोविड-19 कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की डेफिनेशन में फॉल करता है, क्योंकि ये एक डिजास्टर है जो कि लोगों की लॉस ऑफ लाइफ को कॉज कर रहा है, इसलिए ये डिजास्टर है और इसका मैनेजमेंट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट को करना चाहिए. तो ये एक्ट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है ऐसे स्टेप्स लेने के लिए जो कि इस डिजास्टर जो कोविड-19 कोरोना वायरस है यहाँ पर, उसको रोकने के लिए या उससे होने वाले लॉस ऑफ लाइफ को बचाने के लिए गवर्नमेंट ले सकती है. तो अभी ये एक्ट कब पास हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है. ये एक्ट का टाइटल है द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, बट नोटिस करने वाली बात ये है कि इसको जो प्रेसिडेंट का एसेंट है वो 2006 में मिला. जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि दिसंबर 2005 में वो लोकसभा से गया प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए. पहले राज्यसभा में गया अपर हाउस, फिर लोअर हाउस में गया लोकसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास गया जनवरी में. तो जनवरी में 9th of January 2006 में तो असेंट मिला प्रेसिडेंट का. पर ये एक्ट का टाइटल 2005 ही है क्योंकि ये प्रपोज हुआ था, तो उसको टाइटल प्रपोज भी उसमें होता है तो वो वही एक्सेप्ट होता है. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ईयर में कंफ्यूजन नहीं मत कीजिएगा. लीगल के जो भी आपके एग्जाम्स आते हैं, आने वाले एग्जाम्स होंगे, क्लैट के होंगे, एंट्रेंस होंगे, जुडिशरी होंगे, LLM होंगे, LLB होंगे, तो MCQ क्वेश्चन आते हैं उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा. एक्ट 2005 है पर प्रेसिडेंट असेंट इसको 2006 में मिला है. अगला, इस एक्ट में 79 सेक्शंस हैं जो कि टोटल 11 चैप्टर्स में डिवाइड किए गए हैं. इसमें स्टेट की पावर, सेंटर की पावर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी एक्शंस है उसको क्लियरली डिस्टिंग्विश किया गया है, एम्पावर किया गया है, सब कुछ समझाया गया, पावर्स दिए गए हैं. ये एक्ट करता क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस एक्ट का जो जिसके लिए एक्ट आया वो है इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर्स. कोई भी डिजास्टर जो हमारी कंट्री पे आ रहा है जिससे लॉस ऑफ लाइफ या प्रॉपर्टी हो रहा है, उसका मैनेजमेंट करने का एक इफेक्टिव तरीका अपनाना चाहिए. गवर्नमेंट को एक ऐसा तरीका अपनाना चाहिए कि जिससे वो इफेक्टिवली मैनेज हो पाए और लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ना हो. कोरोना वायरस के केस में यह लाइफ है, प्रॉपर्टी का लॉस एज एन इम्प्लीकेशन ऑफ लॉकडाउन जरूर हो रहा है. इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही है, बट एज ऑफ नाउ दिस इज डिजास्टर फॉर द लॉस ऑफ लाइफ. इस एक्ट के अंदर कुछ ऐसी कमिटीज, कुछ ऐसी अथॉरिटीज को एस्टैब्लिश किया गया है और पावर दी गई है जिसके अंडर वो वर्क करती हैं. जैसे कि सेंट्रल लेवल पर, नेशनल लेवल पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, स्टेट लेवल पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, NDMA, SDMA, DDMA. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को असिस्ट करने के लिए एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी भी बनाई गई है, NEC. ठीक है, और उसी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन 44 एंड 45 में एक नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स भी बनाया गया है, उसका भी एस्टैब्लिशमेंट किया गया है. इन सब का एस्टैब्लिशमेंट क्यों किया गया है इस एक्ट के अंदर 2005 में, टू हैव अ बेटर इम्प्लीकेशन, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीकेशन होना चाहिए. कुछ बार ऐसा होता है जैसे कोविड-19 एक सेंट्रल प्रॉब्लम है तो सेंटर डील कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है बाढ़ आती है तो एक स्टेट में आती है, एक एरिया में आती है, या दो तीन स्टेट में आ रही है तो एक एरिया में आती है, तो पूरे देश को उसके लिए इफेक्ट होना जरूरी नहीं है पूरे देश में कोई कानून लागू किया जाए तो वो स्टेट लेवल संभालता है. कुछ जगह डिस्ट्रिक्ट में अकाल पड़ गया तो कुछ डिस्ट्रिक्ट से इफेक्ट हुआ, पूरा स्टेट भी इफेक्ट नहीं हुआ, तो ऐसे में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम होगा. या जब सेंटर काम कर रहा है तो सेंटर ऑर्डर दे रहा है तो उसका इम्प्लीकेशन कौन देखेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट देखेगा, फिर उनका कलेक्शन स्टेट देखेगा. एक हायरार्की में जैसे काम होता आया वैसे चलेगा, तो उसी हायरार्की में इसको सेट किया गया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल.
ये कुछ एस्टेब्लिशमेंट है, उसके बाद इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है, इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन और कितना जरूरी है, मैंडेटरी है गवर्नमेंट के लिए, ये पता लगता है जस्टिस ए के पटनायक और जस्टिस एम वाई इकबाल के रिस्पॉन्स में, जो कि एक पीआईएल के अगेंस्ट दिया गया था, जिसमें कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को ये मैंडेटरी किया गया कि आप इसके प्रोविजन से कंप्लाई करेंगे। जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो भी नेशनल डिजास्टर से डील करने के लिए आपको एम्पावर किया गया, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर कुछ डिजास्टर ऐसा आया है तो उसको आप डील करेंगे एज अ गवर्नमेंट जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फुलफिल करेंगे। इस एक्ट को एक तरह से मैंडेटरी बनाया गया इस पर्टिकुलर केस में, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी हो जाता है। ये एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इसके लिए बहुत जरूरी जो मुझे लगा। इसके अलावा बात करते हैं कोरोना वायरस के केस में इस एक्ट को कैसे इन्वोक किया गया। तो दोस्तों आजकल हम न्यूज देख रहे हैं जिसमें कि ये बताया गया कि जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो अगर आप बिना मास्क लगाए बाहर जाते हैं तो आप पर फाइन लग जाएगा। इसके अलावा कुछ स्टेट्स में ये किया गया कि आप स्प्लिट करते हैं, थूकते हैं पब्लिक प्लेस पर पान गुटखा या वैसे भी, तो उस पर फाइन लगाया जाएगा, और अगर आप नहीं ऐसा करते हैं तो उसमें जेल का भी एक प्रोविजन डाला गया है, जो कि जेल 1 साल तक की जेल हो सकती है, और कुछ केसेस हमने ऐसे देखे भी। अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़ से वाकिफ हैं, अगर आप न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा हो रहा है पनिशमेंट फाइन के तौर पर या जेल इम्प्रिजमेंट के तौर पर दी जा रही है। तो ये एक्ट ये सब इम्पोज कर रहा है, जो प्रोविजन गवर्नमेंट ला रही है वो इसी एक्ट के अंडर ला रही है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर। उसके अलावा पावर किसको दी गई है इम्प्रिजमेंट की और डिसीजन लेने की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा, जैसा कि हम सब जानते हैं लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जब कोई भी गिरफ्तार होता है किसी भी क्राइम के लिए उसको वो किया जाता है, अक्यूज बनाया जाता है, उस पर एलिगेशन लगाए जाते हैं, तो विद इन 24 आवर्स वो मजिस्ट्रेट के सामने उसको अपीयर कराया जाता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि वो कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी जिसको हम जेल बोलते हैं, जेल में जाएगा या फिर फाइन इम्पोज होगा तो बेल हो जाएगी। वो सब पावर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी गई है। इसके अलावा अपीलेट अथॉरिटी है, सब है, वो सब एक अलग चैप्टर है, बट हाँ फॉर नाउ कोई भी ऐसा मैटर होगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, तो ये डिस्ट्रिक्ट रूल कर रही है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 67 क्या कहता है, कैरी एनी वार्निंग्स और एडवाइजरीज रिगार्डिंग एनी थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन और डिजास्टर। कैरी एनी वार्निंग और एडवाइजरीज, किसी भी तरह की एडवाइजरीज वार्निंग्स जारी की जा सकती हैं। कई बार क्या होता है बाढ़ आने वाली होती है तो पता लग जाता है, जो बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं कि बाढ़ आने वाली है, तो वो एक एडवाइजरी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है फिर एक एडवाइजरी जारी करती है या फिर एक वार्निंग जारी करती है कि ये कई बार जगह को खाली कराया जाता है कि क्योंकि एक नदी में ओवरफ्लो हो गया तो आप खाली कर दीजिए, यहाँ बाढ़ आ सकती है। कई बार ये कराया जाता है कि उसको शिफ्ट कराया जाता है, तो बहुत सारे डिसीजंस एडवाइजरी के बेसिस पे प्रिकॉशनरी भी ले जाते हैं। लॉकडाउन भी कुछ ऐसा ही डिसीजन है जो आज की प्रेजेंट सिचुएशन में है, प्रिकॉशनरी मेजर है ये। ये रोक नहीं रहा है वायरस को, ये बस फैलने की गति को धीमा कर रहा है। ऐसा नहीं है इससे वायरस मर रहा है, हमारे घर में रहने से वायरस मर नहीं रहा है, हमारे घर में रहने से वायरस को एक मीडियम नहीं मिल रहा है ट्रैवल करने का, तो वो बढ़ नहीं रहा है, इस बात को समझिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 54 क्या कहता है कि किसी भी तरह के फॉल्स अलार्म कॉजिंग पैनिक, किसी भी तरह की झूठी अफवाह फैलाने से उसको भी पनिशमेंट दिया जाएगा। पनिशमेंट कितना हो सकता है, फाइन हो सकता है, जेल हो सकती है 1 साल तक की। इसके अलावा डिसोबिंग ज्यादा ही हो गया तो हम बात कर चुके हैं सेक्शन 188 ऑफ इंडियन पीनल कोड, उसके अंदर भी उसको पनिश किया जा सकता है। तो जैसा कि एक बहुत रिसेंट न्यूज मैंने देखी कि उसमें एक आदमी ने, एक इंसान ने व्हाट्सएप पर एक वीडियो वायरल किया, एक जो कि झूठा था और जिससे बहुत ज़्यादा लोगों में पैनिक क्रिएट हुआ, बहुत भड़काने वाली एक सिचुएशन हो गई थी, तो उसको पुलिस ने पकड़ा, गिरफ्तार किया और उसको सज़ा भी मिली। तो इसलिए तो ऐसा भी किसी भी तरह की झूठी खबर अगर कोई पहुंचा रहा है, क्योंकि पैनिक का माहौल ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है, इतना कभी नहीं हुआ कि पूरा कंट्री नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन है, कुछ कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी सब ठप है, बस ये है कि जान बच जाए, वायरस से छुटकारा मिल जाए, कुछ वैक्सीन बन जाए, दिस इज द ओनली टारगेट जो पूरे पूरे ग्लोब के पास है। तो ये एक्ट उसको एम्पावर कर रहा है कि कोई भी तरह की आप झूठी अफवाह नहीं फैलाएंगे। दूसरा कि कोई भी थ्रेट अगर जारी होता है, मान लो कल जैसे कि वायरस का थोड़ा पहले हो गया था, शुरू से ही थोड़े मेजर्स लिए गए, फ्लाइट्स रुकी गई पहले चाइना से फिर बाकी इंटरनेशनल, उसके बाद
लॉकडाउन हुआ, तो ये सब वही उसी के अंडर आ जाता है। उसके बाद सेक्शन 51 का क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज बी क्या कहता है कि अगर कोई रिफ्यूज करता है उन डायरेक्शन से कंप्लाई करने के लिए जो कि इशू की गई हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या अथॉरिटीज, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी, स्टेट एग्जीक्यूटिव, किसी भी एक एम्पावर्ड अथॉरिटी ने डायरेक्शंस जारी किए और कोई भी इंसान उसे कंप्लाई करने से मना करता है, तो वो पनिशेबल है विद फाइन और विद इम्प्रिजमेंट ऑफ दैट मे बी एक्सटेंड अप टू 1 ईयर और बोथ, 1 साल की जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। तो ये 51 के क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में ये बात बताई गई है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ही। तो पनिशमेंट भी इसमें दी गई है, आपको पहले बताया गया है कि क्या मेजर्स हैं, पावर किसके पास है, कौन डिसीजन लेगा, फिर उस चीज डिसओबेंस की पनिशमेंट भी बताई गई है। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। उम्मीद करती हूँ अगली वीडियो में आपको जो एक बहुत लेटेस्ट न्यूज आ गई है वो है अमेंडमेंट हमारे 100 साल पुराने एक्ट में, उसमें डिस्कस करूंगी, जल्द ही वीडियो आएगी, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर, ज्वाइन अस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल द सोशल इंडियन टूडल्स।